फिर उसके बाद चैम्बर फिटिंग करना है। ये दोनों तरफ प्लास्टिक ट्यूब लगाना इस तरीके से, ये प्लास्टिक ट्यूब इस तरीके से लगाना है चैम्बर पे। ये ट्यूब लग चुका है, इस पर चैम्बर लगेगा अभी। ये चैम्बर इस तरीके से लगेगा, ये चैम्बर इस तरीके से लगाना है आपको। बद्दी लगाने के बाद इंजन ऊंधा करके ये चैम्बर लग चुका है आपका। ये पलटाओ, विलाक को पलटाओ। ये इंजन कंप्लीट हो चुका है, अब ब्लॉक को पलटा रहे हैं। ये गैस्केट है, केपे का गैस्केट है। ये हेड के जो होल है चेक कर लेना चाहिए गैस्केट लगा के, ऊपर रखो उसको ऐसे लगा के चेक कर लेना चाहिए। होल सब मिलना चाहिए गैस्केट के, होल आउट नहीं रहना चाहिए। ये कैम इस तरीके से लगना चाहिए। ये कैम पूरी बैठ चुकी है, ये आयल इस तरीके से लगाना चाहिए गैस्केट के ऊपर। ये गैस्केट लग रहा है ब्लॉक के अंदर, सारा होल चेक करके लगाना चाहिए। साफ सफाई करके इस तरीके से हेड लगाना है। ये कंप्लीट हेड बैठ चुका है। ये मेन आयल सील है, इसका पैकिन का है, इसका पैकिन है। ये लॉकर साफ्ट है, केपड़ी चिड़िया बोलते हैं इसको। ये मक्खी मिला के लगाना चाहिए आइसिल को। ये होजिंग का कवर लगा दिया है इसका, इसके बाद फ्राइल लगेगा। दोस्तों ये फ्राइल लग रहा है इसका, फ्राइल को क्रेन को ऊपर सेंटर में रख के फ्राइल को इस तरीके से लगाना है आपको। ये लग चुका है फ्राइल इसका। ये लाख पत्ती, लाख पत्ती को लाख भी करनी है इस तरीके से। ये क्लच प्लेट है इसकी, ये प्रेशर प्लेट है इसकी, दो क्लच प्लेट लगती है इसमें। प्रेशर प्लेट है, फिंगर है, स्प्रिंग है 12। हाँ क्लच प्लेट लगाना, अब प्रेशर प्लेट लगाना। ये प्रेशर प्लेट टाइट हो रही है, इसका क्लच प्लेट का दोनों का सेंटर मिला के लगाना, क्लच प्लेट का सेंटर मिलना चाहिए। ये इंजन फिटिंग हो रहा है, ये इंजन कंप्लीट हो चुका है। अब इंजन आपको फिटिंग करके बताएंगे इसके अंदर
इसका रिलीज बेयरिंग भी चेक कर लेना आप। इंजन फिटिंग हो चुका है, ये टाइमिंग गियर अपना, टाइमिंग गियर एक ही सरी के आते सब, आपको हम टाइमिंग गियर खोल के बताएंगे। नहीं निकल तो बात, टाइमिंग गियर इसका, ये टाइमिंग गियर बोलते हैं इसको, ये कैमशाफ्ट का गियर है, ये पंप का गियर है, आपको हम गियर फिटिंग करके बताएंगे। अब दोस्तों आज अपन टाइम नहीं मिला के बताएंगे, टाइमिंग का तरीका बताएंगे, कौन से गियर में कितना जाते हैं, आज ये आपको नॉलेज देंगे हम गियर के बारे में। दोस्तों जो किरण का जो गियर रहता है, इस गियर में जाते हैं अपने 25, और इसमें पंप का जो गियर रहता है इसमें 50 जाते हैं दोस्तों, और इसमें जो कैम का जो गियर रहता है उसमें 50 जाते हैं इसमें है, और बड़े वाले जो गियर है इसमें 90 जाते हैं, गिरों पर 90 जाते हैं, मतलब 90, 25, 50, फिर 50, इनों में टाइम गियर लगता है इसमें। अब टाइम गियर किस तरीके से मिलते हैं आपको हम गियर मिला के बताएंगे। मिला के दोस्तों इसमें ये गियर है, इस गियर में पलटा लेना इसको, तीन निशान है, 1, 2, 3, ये तीन निशान है, आपको इस तरीके से गियर को रखना है यहाँ पे। आपको पंप का पहला पिस्टन टॉप पे रखना है, इस निशान पे लेना, आपको पहला पिस्टन टॉप पे लेके इस निशान पे रखना है मेन निशान, फिर आपका पंप का निशान है इसे भी आपको टॉप पे रखना है, पंप का टॉप का पिस्टन रहेगा और इसका निशान यहाँ पे रखना है आपको, और कैम तीन वाल आपकी फ्री रहेगी, ऊपर के टेपिड चिड़िया जिसको बोलते हैं, ये टेपिड चिड़िया 1, 2, 3, ये तीन वाल फ्री रहेगा आपके, ये टाइमिंग आपका वाल टाइमिंग भी हो जाएगा और मेन टाइमिंग भी हो जाएगा, दो टाइमिंग होगा ये आपको, फिर इस तरीके से इसको जैसे बिठाना है, ये गियर पूरी तरह बैठ चुका है, अभी टाइमिंग यहाँ भी मिल चुके हैं आपके, कैम का मिल चुका है, पंप का मिल चुका है, और किरण का मिल चुका है, और ये आइडल गियर पूरा आपका मिल चुका है। ये निशान से निशान आपको टच करना है, ये निशान से निशान टच करना है आपको, आपको निशान से निशान टच करना है। एक बात और है, कभी अगर गियर के ऊपर निशान नहीं रहे किस तरीके से मिलाओगे आप, इसका तरीका बताना जा रहा हूँ आपको। आपको ये चीज़ देखनी है, ये पिस्टन आप अंदाज से टॉप पे रख देना, टॉप पे आपने रख दिया, आपको यहाँ से इस गियर को ऐसे लगा देना, लगाने के बाद ये दाते गिनना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये 22 पे किरण से लेके पंप का 22 पे मिलाना है आपको, फिर इसके बाद यहाँ से 22 के निशान यहाँ से मिला देना, फिर इसके बाद आपको लेना है कैम का निशान, यहाँ से आपको बिगड़ निशान बता रहा हूँ, फिर आपको यहाँ से लेना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये भी 22 पे आपको निशान लेना है, कैम का निशान कैम का लेना है, इस पर अगर निशान नहीं रहे तो आप इस गियर पे अगर निशान नहीं है आपको वाल टाइमिंग तीनों फ्री रखना है, ये तीनों फ्री रखोगे जब जाके आपको टाइमिंग यहाँ 22 पे टच करना है, 22 से 22 टच करना है आपको, यहाँ भी 22 से 22 टच करना है, यहाँ भी 22 से 22 टच करना है आपको, इस चीज़ का याद रखना है, टाइमिंग आपको पूरी तरह मिल चुके हैं। ओके, ये इसको इस तरीके से बोल्ट टाइट करना चाहिए इसका, ये बोल्ट कसने के बाद इसको लॉक भी करना है आपको टाइमिंग गियर को। चलो घुमाना,
ये टेपिट है, कैसे मिलाया जाता है टेपिट मिला के बताएंगे आपको हम। और घुमाना और घुमाना और घुमाना और घुमाना और घुमाना और घुमाना, बस ओके। ये टेपिट आपको तीन वाल फ्री करना है, आगे के टेपिट आपको सेट करना है 12 mm से, इंजन मारो उस टाइम पर 12 mm से, गर्मी में आपको 10 mm से रखना है, इस तरीके से सेट होना चाहिए। ये टेपिट आपको सेट रखना है बिल्कुल, ये पत्ती लगा के 12 mm से, फिर उसके बाद फिर घुमाओ। ये आपके टेपिट तीनों सही साट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर आपको तीन वाल पीछे के फ्री करना है, आगे के तीन वाल दो वाल टच करना है आगे के, घुमाना और घुमाना, जान दो और जान दो, जान दो और जान दो, और जान दो और जान दो और जान दो, हल्का दौड़ जान दो, बस। ये आपके तीन वाल फ्री हो चुके हैं पीछे के, ये टेपिट मिल चुका है, ये भी सही साट है, ये भी सही साट है, ये भी सही साट है, ये तीन वाल कंप्लीट हो चुके हैं, टेपिट पूरा कंप्लीट हो चुके हैं। आपको टेपिट मिलाना है 12 mm से, या 12 mm ठंड में रखना आपको, आपका ट्रैक्टर का सही साट चलता तो 12 mm में रखना है, और 12 mm में नहीं रखो आपको 10 mm में रखनी रखना है गर्मी में, अगर ट्रैक्टर गर्म अगर होता है तो ठीक। ये ट्रैक्टर की टाइम टेबल भी कसा गई है, टेबल कोर भी कसा गया है, इंजन पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब इसकी धड़ी कस के बताएंगे आपको। ये ट्रैक्टर की धड़ी लग चुकी है, अब ट्रैक्टर को स्टार्ट करके बताएंगे आपको हम, इंजन कंप्लीट हो चुका है ट्रैक्टर का। ये ट्रैक्टर कंप्लीट हो चुका है, अब इसको स्टार्ट करके बताएंगे आपको। दोस्तों इंजन का काम फुल किया है हमने, 35 mm का टनर, 40 hp का, अब इसे स्टार्ट करके हम बताएंगे आपको। है कंप्लीट।